Yes, good morning children. Welcome back to online class, RBS Public School. Now student of class 8, listen carefully. Class 8, subject, SST. Now see here, we are going to start chapter number 18, Minerals and Power Resources. Minerals, chapter number 18. Minerals and Power Resources. तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा बहुत सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिरकार मिनरल को मिलता कैसे है, मिनरल कैसे बनता है, मिनरल को कैसे कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज जो इस क्लास के माध्यम से मैं आपको उसी का कुछ आगे का टॉपिक जो है वह बताने जा रहा हूँ, जो कि अंडरग्राउंड माइनिंग के बारे में है। तो सभी बच्चे देखेंगे, ध्यान देंगे, अंडरग्राउंड माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग, देखिए इट इज द It is done when the minerals are located deep within और नाउ सम इट इज ए टाइप ऑफ माइनिंग दैट ऑलवेज यूज टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स व्हिच फ्रॉम अंडरग्राउंड It is found by mining of tunnels or the deep to reach the ore where it is diameter and broken into
jumps. चलिए देखते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग. अंडरग्राउंड माइनिंग का मतलब हुआ वह मिनरल जो कि जमीन के अंदर पाया जाता है और हम हमेशा से देखते हैं. इट इज मेन इन द मिनरल आर लोकेटेड डीप इन टू द अर्थ. वो हमेशा देखते हैं धरती के अंदर जो है वो पाया जाता है. साथ ही इट इज अ टाइप ऑफ माइनिंग. इट इज अ टाइप ऑफ माइनिंग यानी एक तरह ऐसा माइनिंग है दैट एल्वेज ऑलवेज वो हमेशा टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स व्हिच फाउंड वो हमेशा पाया जाता है जमीन के अंदर. एंड इट इज फाउंड बाय माइनिंग माइनस निकाला जाता है ऑफ ट्यूनर्स. देखते होंगे जैसे खाद्यान्न कोयले के खाद्यान्न में क्या होता है सुरंग होता है. तो सुरंग के जरिए जो है वो अंडरग्राउंड में जो है वो क्या किया जाता है जमीन के अंदर सुरंग एक बनाया जाता है और सुरंग के जरिए उस सारे जितने भी मिनरल्स है जैसे कि कोयला है उसको खोद करके बाहर निकाला जाता है जिससे वो सारा मिनरल जो है हमारे बाहर मिलता है. ठीक है. नाउ ड्रिलिंग जो सेकेंड हमारा क्वेश्चन है वो आ जाएगा हमारा ड्रिलिंग का. ड्रिलिंग इज अनदर टाइप. ड्रिलिंग इज अ another type of underground mining process carried out to extract some gases or while which found in under ground. ठीक है. देखते हैं हम लोग ड्रिलिंग में. ड्रिलिंग शेयर के नीचे किया जाता है तो देखते हैं कि जमीन के अंदर बहुत सारे जो है वैसे गैस भी पाया जाता है और वायु रूप में पाया जाता है. जैसे सऊदी अरब वगैरह में जो है वो सुनते हैं कि तेल की खाने होती है तो आखिर उसको निकाला कैसे जाता है. इसी ड्रिलिंग की मदद से जो है वो मिनरल्स नीचे जाता है और वो ड्रिल करके जो है वो निकाला जाता है. ठीक है. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज आखिरकार इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है distribution of mineral resources resources. ठीक है. नाउ वी सी हियर मिनरल आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एट distribution of the rocks and also on the basis of
कॉमा वेदर कंडीशन दे distributed as the somewhere same and somewhere different. ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. हमारे मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हर जगह सेम नहीं है. ये आप भी समझ रहे हैं कि द अर्थ आर नॉट द सेम. हमारा अर्थ जो है वह सब जगह एक ही जैसा नहीं है. बिकॉज ऑफ दैट दे आर ऑल्सो प्रेजेंट अ वेरियस काइंड ऑफ रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक, इग्नस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक. ये सब जो रॉक्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉक दे आर टोटली डिवाइडेड. जैसे जैसे इनका क्लासिफिकेशन होता है वैसे वैसे ये टोटली बेस्ड हो जाते हैं हमारे रॉक के ऊपर. जैसे जैसे जहां जिस प्लेस में उसका क्लाइमेटिक कंडीशन जैसा होगा, जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन वो लोग पाए जाएंगे वैसे क्लाइमेटिक कंडीशन ये सभी होंगे. और उसी डिवीजन में सभी सारे पाए जाते हैं. और साथ ही यह देखा जाता है जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कोल हो गया, आयरन का जैसे हो गया लिग्नाइट, एंडरसाइट, बिटुमिनस. तो इस तरह से सारे आयरन का क्या होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट. आयरन का क्या होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट. कोल का होता है लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस. एलुमिनियम का होता है बॉक्साइट. ठीक है, इस तरह से उसके अयस्क होते हैं. कोर मतलब होता है अयस्क. कि किस किस प्रकार के, जैसे आयरन हो गया तीन प्रकार का जो है पाया जाता है ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट. ठीक है, चलिए अब लेकर आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए आज इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में.